गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास सेवन आप हिंदी ग्रामर में लिंग और वचन पढ़ रहे हो। लिंग किसे कहते हैं? लिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग किसे कहते हैं? पुलिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं। जैसे नर, बेटा, बंदर, लड़का, कुत्ता, खरगोश आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, बेटी, औरत, बंदरिया, लड़की, मोरनी, शेरनी आदि, इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसी तरह से आपका है वचन। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी एक वस्तु और प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आदमी, पत्ता, घर, किताब, कक्षा आदि। इस तरह से बहुवचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक या अनेक का बोध होता है, या एक, दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बहुवचन में आपका है किताबें, पुस्तकें, कलमें, डिब्बें, कक्षाएं, छात्राएं, लड़के, पतंगे आदि, पंखे, अनेक। जहाँ एक है वो अकेला है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो वहाँ बहुवचन होगा। इस तरह से बच्चों आप लिंग और वचन पढ़ लिए। अब लिंग और वचन के बाद आप देखेंगे मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। लिंग परिवर्तन, क्या लिखा है? लिंग परिवर्तन। हिंदी ग्रामर क्लास 7 5 लिंग और वचन बहुविकल्पी प्रश्न। लिंग परिवर्तन के लिए सही विकल्प पर गोला बनाओ। देखिए आपको तीन विकल्प लिखा है। शब्द है पूज्य। अब पूज्य का सही विकल्प लिंग परिवर्तन पूज्य का क्या होगा? पूजनीय, पूजा, पूजा कर, पूजा, पूजने योग। तो आप यहाँ पूज्य, क्या? पूज्य। देखिए पूज्य जो है लिंग है, लेकिन पूज्य जो है स्त्रीलिंग हो गया है, लिंग परिवर्तन हो गया। तरुण, तरुण एक लड़के का नाम है, ये पुलिंग है। तरुणा, तरुणवती, तरुणी, तरुणी जो है ये स्त्रीलिंग। मालिक, मालिक पुलिंग है। अब आप मालिक, मालकिन, मालकनी, मालकिनी, तो आपका सही जो विकल्प है मालकिन है, तो सही मालकिन पर बोला लगा। छत्री, छत्री एक लिंग है, और छत्रिया, छत्राणी, छत्रवती, तो छत्राणी ये स्त्रीलिंग है, छत्री का स्त्रीलिंग है, ये पुलिंग है। पंडिताइन, ये आपका स्त्रीलिंग है, पंडिताइन स्त्रीलिंग है। पांडे, पंडित, पांडे, तो आप पंडित पर, पंडिताइन का पुलिंग क्या होगा? पंडित, तो आप पंडित पर लगाएंगे। ओके, समझ में आया? पूज्य का पूजनिया पर बोला, तरु का तरुणी पर बोला, मालिक का मालकिन पर बोला, छत्री का छत्राणी पर बोला, पंडिताइन का पंडित पर बोला लगा करके ये सही विकल्प लिखोगे। ओके, समझ में आया होगा? प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो विकल्प आपको सही लगे उसी का उसी पर राइट लगाओगे। भिखारी का पुलिंग कौन सा है? मादा है, भिखारी है कि लोमड़ी है? भिखारी का पुलिंग भिखारी।